सोलन नगर परिषद इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है। भाजपा के 9 पार्षदों की एकजुटता, जो पहले छिपकर नगर परिषद के अध्यक्ष को हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, अब खुलकर सामने आने लगा है। उन्हें हटाने के लिए ये सब मुखर हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब वे अपना इस्तीफा भाजपा मंडल अध्यक्ष को सौंप चुके हैं। लेकिन इस बात का कोई असर नगर परिषद अध्यक्ष पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्षदों का साथ मिल चुका है। यही वजह है कि अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के साथ कोरम पूरा कर विरोधियों को दिखा दिया कि विरोध से उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। यही नहीं, उन्होंने इस मौके पर वार्डों के विकास के लिए चर्चा भी की और हाउस को सुचारू रूप से भी चलाया। नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि आज उन्होंने सोलन के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्षदों की आपत्ति थी कि शहर में विकास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने शहर के वार्डों में विकास के लिए प्रस्ताव पारित किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति इसलिए बनी थी क्योंकि नगर परिषद का स्थायी कार्यकारी अधिकारी नहीं था, लेकिन अब कार्यकारी अधिकारी आ गए हैं तो अब विकास में भी रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टेंडर लगवाए जा रहे हैं। ये जो हमारा जनरल हाउस हुआ है, ये 3 महीने बाद हुआ है और सभी पार्षद आए, कुछ पार्षद नहीं आए, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय आवास बैठक कंडाघाट में चल रही है और वो उसमें कुछ पार्षद वहाँ पर भी गए हैं। और इससे पहले 9 तारीख को भी एक बैठक रखी थी जनरल हाउस की, पर उस वक्त हमारे स्टेट लेवल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक थी, उसमें हमारे किसी पार्षदों का जाना जरूरी था और इन्हीं कारण आज ये लोकल थी, इसलिए हमने ये बैठक कर ली और उनसे परमिशन ले ली थी। मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ना तो कांग्रेस ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने की है। उन्होंने कुछ काम में अपना मुटाव मन मुटाव जाहिर किया है कि हमारे जो कार्य है, विकास है, उसकी गति नहीं बन रही है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि जिस रफ्तार से, जिस गति से काम होना चाहिए था नगर परिषद में नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 9 महीनों में 8 ईओ का बदलना ये हमारी रफ्तार को कम करता है।